बड़नगर सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर आज जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा भाट पचलाना में बैठक रखी गई एवं रैली निकाली गई, जो दाल मिल चौराहा से मुख्य मार्गों से होते हुए थाना परिसर पर समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशक एवं एजेंट एवं जन प्रतिनिधि शामिल हुए, जो भाट पचलाना थाना परिसर में धरना देकर सहारा के मालिक एवं सहारा के जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई और साथ ही ज्ञापन सौंपा गया। सहारा के निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। यह आंदोलन प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक किया जाएगा। सहारा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। ये बात जन आंदोलन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि जब तक सहारा के निवेश को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक मैं इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आदरणीय साथियों, हम लोग पिछले 5 से 7 वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी ने जो हमारे खून पसीने की कमाई को यह एहसास कराने के लिए कि कितनी बड़ी संख्या में वास्तव में इस आंदोलन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हम जब शुरू में रतलाम जिले के लिए जिले के कलेक्टर SP से मिले, हमने कहा कि हजारों की संख्या में 25,000 से ज्यादा निवेशकर्ता हमारे जावरा और रतलाम में थे, परंतु SP कलेक्टर ने कहा कि नहीं, हमारे